दोस्तों, मैं इस समय सोशल मीडिया पे आया हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है। वीडियो बनाने का मकसद खाली ये है कि अब बर्दाश्त नहीं होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, देश में चल क्या रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है, बिजनेस ख़त्म, बेरोज़गारी बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। तो मजबूरन होके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करूंगा कि गवर्नमेंट ने क्या किए पिछले 10 साल और अब हमारे पास कौन सा पावर है कि गवर्नमेंट को हम सबक सिखाएंगे। जहां तक हम देखेंगे, हमने देखा कि पिछले 10 सालों में जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की थी। सबसे बड़ा फैक्टर था कि जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है, जो हम पीएम जो होता है। तो हमने देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। हमने देखा गैस सिलेंडर 100 1000 से पार कर गया, पेट्रोल 100 से पार कर गया। तो बाकी चीज़ें भी जो भी हैं वो सब सबकी महंगाई बढ़ गई है। तो आम आदमी को मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो एज ए आम आदमी हम बात करेंगे, हम आम आदमी हैं सब, तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करेंगे। हम तो देखेंगे मीडिया करप्टेड है, मीडिया तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है लेकिन वो करप्टेड है। अब थोड़े बहुत बचा हुआ सोशल मीडिया, तो वो भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। नेशनल मीडिया तो सारा करप्टेड है, वो कभी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, खास करके बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। अब हमारे पास एक मौका है इस वक्त कि जो हमारा पावर है वो हम इस्तेमाल करें। हमारा ये पावर है कि हम वोट डालें अगेंस्ट बीजेपी, जो कि बीजेपी पार्टी है उसके अगेंस्ट हैं वोट डालेंगे। जब हम उसके अगेंस्ट वोट डालेंगे तो ये समझ लेना कि हमने जीत लिया है ऑलरेडी। फिर अपोजिशन पार्टी जो भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक किसी एक खास पार्टी को वोट दे डालिए, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को मत डालिए, बाकी किसी को भी डालिए। जो भी एनडीए गवर्नमेंट में पार्टीज आती है, जो कि एनडीए गठबंधन है, उनको वोट मत डालिए। जो कि अगर इंडियन अलायंस में पार्टी है, अगर उनको वोट डालेंगे तो शायद गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, शायद कुछ बड़ा हो सकता है, शायद कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि अब हमने देखा कि पुलवामा का अटैक जो हुआ है, जैसे कि सतपाल मलिक साहब ने कहा कि वो प्रे प्लानड था, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। और बालाकोट स्ट्राइक एक प्री प्लानड था। अब पता नहीं इस इलेक्शन में कौन सी स्ट्राइक आएगी। हमने देखा है, चलो देश के लोग तो समझदार हैं, चौकीदार तो नहीं, कम से कम अनपढ़ लोगों को तो आगे मत भेजो। ये भी तो सोचो आगे कौन है, ये क्या करेगा देश के बारे में, ये क्या करेगा देश के लिए। मगर हम ये नहीं देखते हैं, हम देखते हैं खाली कि मजहब की सियासत छोड़ो, फिलहाल आप पहले इंसान बनो, इंसानियत के नौते पर, फिर बाकी जो मजहब है वो अपनी जगह पर रखो।